गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। डॉल हाउस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त बारबी। फ्रेंड्स, आज की एपिसोड में आप देखेंगे कि कैसे एक डक को कैद कर लिया गया। उस डक को हम कैसे बचाएंगे आप देखेंगे। चलें फ्रेंड्स, हम अपना आज का रूटीन शुरू करते हैं। सुबह सुबह मुझे भूख लग रही है, मैं आप ही के पास जाकर आप ही से पूछती हूँ कि आज खाने में क्या है। तो फ्रेंड्स, आ जाइए मेरे साथ। आप ही क्या बात है बारबी, कैसी हो तुम। आप ही मुझे बहुत शदीद भूख लगी है। तो क्या ब्रेकफास्ट रेडी है। हाँ बिल्कुल तैयार है। ठीक है, मैं अपने फ्रेंड्स को लेकर आती हूँ। ओके फ्रेंड्स, बारबी तुम आ गई, तुम उठ गई। हाँ पाइनएप्पल, मैं उठ गई हूँ, कैसे हो तुम। हिप्पो, तुम कैसे हो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो बारबी। मैं भी ठीक हूँ। चलो तुम दोनों जल्दी से आ जाओ, ब्रेकफास्ट रेडी है, जल्दी आ जाओ। हरिया, चलो चलो चलो, मुझे बहुत भूख लग रही है। ला ला ला, ठीक है। आपी क्या है नाश्ते में, मैं तो छुटकी के साथ बैठूंगा। मुझे छुटकी मत बोला करो, मुझे छुटकी पसंद नहीं, ये नाम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। बार भी तुम अपने दोस्त को क्यों नहीं समझाती। ओ, सुबह सुबह छुटकी को तंग मत करो हिप्पो, प्लीज। ओ सॉरी छुटकी। फिर छुटकी। ओ तो खाना तैयार है, ये फीडर किसके लिए है। ओ ये छुटकी के लिए है, उसको दे दो। ठीक है, ये लो छुटकी, तुम्हारा फीडर, जल्दी से दूध पी लो। आम नम 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 नम। और ये ग्रेप्स तो मैं बारबी को दे दूंगा। यम्मी, थैंक यू पाइनएप्पल, तुम बहुत अच्छे हो। मुझे फ्रूट्स बहुत पसंद हैं, फ्रूट्स हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं और बहुत ही यम होते हैं ये। फ्रेंड्स, आपको भी ग्रेप्स पसंद हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करिए। लिए लो पाइनएप्पल। सब कुछ तो तुम लोग खा गए, मैं क्या खाऊंगा। हिप्पो तुम क्यों परेशान हो रहे हो, ये लो तुम कैप्सिकम खा लो। शुक्रिया, थैंक यू, मुझे कैप्सिकम बहुत पसंद है। नम 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 नम, बहुत यम्मी, शुक्रिया आपी, बहुत टेस्टी है ये, थैंक यू। हाँ चलो, तुम लोगों ने नाश्ता कर लिया, अब तुम लोग आराम करो। ठीक है फ्रेंड्स, मैं बाहर जा रही हूँ, तुम लोगों से कुछ देर बाद में मिलती हूँ। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय बाय। मैं ट्राले में बैठकर जा रही हूँ। बी 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 बी, क्वैक क्वैक क्वैक, बाय बाय बारबी, क्वैक 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 क्वैक। बी बी बी, म्याऊ म्याऊ म्याऊ। ओ प्यारी सी कैट, कितनी प्यारी हो तुम। क्या हुआ, तुम क्यों चिंता कर रही हो, क्या हो गया। म्याऊ। ओ तो तुम्हारे पास घर नहीं है, चलो मैं तुम्हें अपने साथ ले चलती हूँ, आ जाओ। म्याऊ। चलो नन्नी कैट, तुम मेरे साथ चलो, आ जाओ। म्याऊ म्याऊ। नोक 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 नोक, मैं आ रहा हूँ बारबी, तुम आ गई। बारबी ये क्या है तुम्हारे साथ। म्याऊ म्याऊ। अरे ये नन्नी सी कैट है, ये रो रही थी, मैं इसको अपने साथ ले आई हूँ। ओ इधर आओ छोटी दोस्त। ओ म्याऊ। ये तो छोटी नहीं है, ये तो बहुत बड़ी कैट है। इसीलिए मैं इसको ले आई, लेकिन ये अकेली थी। ओ आ जाओ, तुम यहाँ बैठो। म्याऊ म्याऊ। हम तुम्हारा बहुत ध्यान रखेंगे नन्नी दोस्त। चलो जल्दी से हम लोग कैट के लिए कुछ खाने का बंदोबस्त करते हैं, ठीक है।
तुम यहाँ पर रुको कैट, चलो चलते हैं, चलो चलो चलो। क्वैक क्वैक क्वैक, हा 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 हा, मैं इतनी मासूम नहीं हूँ जितनी दिख रही हूँ, हा 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 हा। मुझे बचाओ, हा हा हा, मैं तो तुम्हें खा जाऊंगी, बचाओ, हा हा हा, ये तो बहुत यम है। अरे मैं अपनी डक को देखता हूँ, कितनी प्यारी डक है, पाइनएप्पल पाइनएप्पल, अरे मेरी प्यारी डक, अरे आपकी डक कितनी प्यारी है, मुझे बहुत पसंद आई। ठीक है तुम मेरी डक के साथ खेलो, मैं तुम्हारे लिए कोई नाश्ता लेकर आता हूँ। ओके, अरे बाय बाय डक, मुझे इसके पास अकेला मत छोड़ो। मज़ा, हाँ तो मैं इस डक को कैद कर देती हूँ, बाद में इसे मजे मजे से खा लूंगी ताकि इसके दोस्तों को पता ना चले। मुझे छोड़ दो। यहाँ ब्लॉक्स हैं, मैं इन ब्लॉक्स में इसको कैद कर देती हूँ। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं, हरगिज नहीं। मुझे निकालो, मुझे छोड़ दो प्लीज, मैं क्या करूँ, मुझे छोड़ दो। बहुत मजे से खाऊंगी। मैं इसको ऊपर से भी बंद कर देती हूँ ताकि घर वालों को पता ना चले कि इसमें उनकी डक है, हा हा हा। चलो अब मैं यहाँ रख देती हूँ ताकि किसी को पता ना चले। अरे प्यारी डक कैसी हो तुम? ओ कैटो, तुमने मेरी डक देखी? मेरी डक कहाँ चली गई? ओ मुझे तो नहीं पता, यहीं कहीं खेल रही थी, मैंने उसको बहुत कहा कि मेरे साथ खेलो लेकिन वो चली गई। ओ मेरी डक कहाँ चली गई है, मेरी डक? मुझे यकीन है वो कहीं बाहर गई होगी, तुम परेशान मत हो, मेरे लिए कुछ खाने को ले आओ। ठीक, बार्बी को जाकर बताता हूँ। बार्बी बार्बी बार्बी, क्या बात है पाइनएप्पल, तुम क्यों चिल्ला रहे हो? बार्बी मेरी डक घूम गई है, वो मिल नहीं रही। क्या, ये कैसे हो सकता है? मुझे नहीं पता। हम उसे ढूंढेंगे, वो कहीं छुपी होगी। नहीं बार्बी, वो कहीं भी नहीं है, मैं हर जगह उसको तलाश किया। चलो देखते हैं। कुकु कु कुकु कु बार्बी। अरे मेरे प्यारे चिकू, तुम यहाँ? बार्बी कैसी हो, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। ओके चीकू, मुझे जल्दी से पाइनएप्पल का मसला सॉल्व करना होगा, पाइनएप्पल की डक हो गई है। चलो हम जाकर देखते हैं, कहाँ थी तुम्हारी डक? बार्बी मेरी डक यहाँ थी, मेरी डक नहीं मिल रही, मैंने बहुत तलाश की। ओ प्यारी मासूम बिल्ली, क्या तुमने इसकी डक को देखा है? नहीं मैंने तो नहीं देखा। तो अगला शिकार ये होगी। इनके जाने के बाद मैं इस चिकन को खाऊंगी। बार्बी क्या हुआ नन्नी? चिकन तुम क्यों डर रही हो? कुकु, ये बहुत अच्छी है, ये बिल्कुल भी तंग नहीं करेगी, ये बहुत प्यारी है। म्याऊ म्याऊ, चू 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 चू। अरे नन्नी चिड़िया तुम यहाँ क्या कर रही हो? चू 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 चू। क्या बात है, तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो? चू 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 चू।
तुम क्या बताना चाहती हो? मैं समझ में नहीं पा रही। ओह अच्छा, तो तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें फॉलो करूं? चलो चलो, क्या बात है। ओ तो यहाँ क्या है? तुम क्या बताना चाहती हो मुझे नन्ही चिड़िया? ये कुछ बता रही है बारबी, शायद ये मेरे डॉग के बारे में कुछ बता रही होगी, तुम पूछो। आ यहाँ क्या हो सकता है? यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता। क्यों नन्ही चिड़िया? रुको मैं देखती हूँ, तुम पीछे हटो म्याऊं। ओ तो यहाँ है डक। ओ ये क्या हो गया? मैं इसको खोलती हूँ। क्वैक 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 बारबी क्वैक 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 क्वैक। अरे क्या हुआ डक? पाइनएप्पल। ओ मेरी डक बारबी, मेरे डक के साथ ये किसने किया? किसने इसको कैद किया? चू 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 चू। ये चिड़िया कुछ बताना चाहती है। चू 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 चू। अच्छा पाइनएप्पल, मुझे मुझे म्याऊ ने पकड़ कर बांध दिया, उस ब्लॉक्स में कैद कर दिया। म्याऊ कह रही थी कि मैं तुम्हें कहाँ जाऊंगी। बारबी तुम ये किसे ले आई हो? ये एक मासूम बिल्ली नहीं है, ये एक राक्षस है, इसको फौरन हमारे घर से निकाल दो। गंदी बिल्ली, तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम इतनी मासूम नहीं हो जितनी तुम दिखाई दे रही हो, इसीलिए तो कोई तुम्हें अपने घर में नहीं रखता और तुम रोड पर अकेली थी। म्याऊ ऐसा नहीं है, ये झूठ बोल रही है, ये झूठ बोल रही है, ये मुझे पसंद नहीं करती, इसलिए चाहती है मैं इस घर में ना रहूं। लेकिन ये यहाँ पर कैद कैसे हो गई? और जो ये चिड़िया बता रही है, ये चिड़िया कभी झूठ नहीं बोलती, जब भी मुझे मदद की जरूरत पड़ती है तभी ये चिड़िया आती है, तुम झूठी हो। ये क्या हो गया? ये तो मेरा सीक्रेट खुल गया, मैं मुझे माफ कर दो। अच्छा तो तुम ये चाहती हो तो मैं तुम्हें माफ करती हूँ। बारबी ये तो नाइंसाफी है, तुम इसको माफ नहीं कर सकती, इसने मेरे डग के साथ कितना बुरा किया और तुम इसे माफ करोगी? मैं ऐसा बर्दाश्त नहीं करूँगा, समझ गए तुम लोग? पाइनएप्पल मैं इसको माफ कर रही हूँ, तुम मेरी बात समझे नहीं, मेरे साथ आओ। बारबी तुम ये कैसे कर सकती हो? नए दोस्तों के मिलने से तुम अपने पुराने दोस्त की बात को वैल्यू नहीं दोगी? पाइनएप्पल तुम समझ नहीं रहे, अगर हम इसको घर से निकाल देंगे तो इसको सजा कैसे मिलेगी? हम डॉक्टर जिराफ को बुलाकर इसको इंजेक्शन लगवा देंगे। ओ तो ये प्लान है, फिर इसको समझ आएगी कि अगर कोई आपके साथ भलाई करे तो उसको धोखा नहीं देना चाहिए। जी हाँ यही तो मैं चाहती हूँ, अभी मैं डॉक्टर जिराफ को कॉल करती हूँ। मोबाइल कहाँ है? टू 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 ट्रन ट्रन। डॉक्टर जिराफ जल्दी से आइए, मुझे आपकी बहुत ज़रूरत है। हाँ एक बिल्ली बिगड़ी है, उसको सीधा करना है। हाँ जल्दी, तुम फिक्र मत करो पाइनएप्पल, डॉक्टर जिराफ आ ही रहे हैं। ठीक है बारबी। ये बारबी कितनी बेवकूफ है, मैंने इसको पागल बनाया और इसने मुझे माफ कर दिया। हा 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 कितनी बुद्धू है ये। नॉक 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 नॉक, डॉक्टर जिराफ इज हियर, प्लीज ओपन द डोर। नॉक नॉक, मैं आ रही हूँ डॉक्टर जिराफ, आ जाइए। बहुत शुक्रिया आप आ गए। जी हाँ मैं आ गया हूँ, आप यहाँ बैठिए डॉक्टर जिराफ, मैं अभी उस शरारती बिल्ली को लेकर आती हूँ। ठीक है मैं वेट कर रहा। बारबी क्या डॉक्टर जिराफ आ गए?
हाँ आ गई पाइनएप्पल, अब तुम अपनी आंखों से देखोगे उस बिल्ली को सजा दी जाएगी। बार्बी, पाइनएप्पल, यहाँ क्या हो रहा है? हम एक बिल्ली को मजा चखाने वाले हैं। पर क्यों? वो तो बहुत मासूम बिल्ली है। तुम उसकी मासूमियत से धोखा खा रहे हो। जैसे हमने खाया, वो बिल्कुल भी मासूम नहीं है। देखना अब उसका इलाज क्या होगा। म्याऊं, म्याऊं। आपने मुझे बुलाया? हाँ, तुम्हें हमने ही बुलाया है। चलो हमारे साथ, हमें तुम्हें एक अच्छे दोस्त से मिलवाना है। वो तुम्हें ढेर सारा खाना देगा, वो बहुत अच्छा दोस्त है। म्याऊं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा उससे मिलकर। म्याऊं, आ जाओ, वो उस तरफ है। ठीक है, आ जाओ आ जाओ। म्याऊं, ये कौन है? यही तो वो अच्छा सा दोस्त है। ओ, आ जाओ मेरी प्यारी डक, तुम भी इसका इंजाम देखो। क्वैक क्वैक, ये कैसा दोस्त है? ये तो कोई डॉक्टर लग रहा है। हाँ, मैं हूँ आप सबका दोस्त डॉक्टर जिराफ। जहाँ भी कोई अन्याय होता है, मैं वहाँ आ जाता हूँ। पर मुझे तो कोई बीमारी नहीं, मुझे डॉक्टर की क्या जरूरत? तुम्हें एक बीमारी है, लोगों के साथ धोखा करने की, और उस बीमारी का हल सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर जिराफ के पास है। मैंने कौन सा धोखा किया? तुमने हमने अपने घर में रखा, अपने घर में तुम्हें जगा दी, और तुमने हमारी ही डक को कैद कर लिया, वो भी सिर्फ खाने के लिए। हम तुम्हें खाना देने ही वाले थे, लेकिन तुम्हारे अंदर की लालच ने तुम्हें ऐसा करने पर मजबूर किया। तुम एक गंदी बिल्ली हो, इसीलिए अब तुम्हारा इलाज डॉक्टर साहब ही करेंगे। जी हाँ, मेरे पास बेहतरीन इलाज है। इसको 2 बल्कि 4 इंजेक्शन लगाऊंगा। इंजेक्शन रेडी करो। टी डी 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 टी टी, मुझे माफ कर दो। अब माफी नहीं मिलेगी। बहुत खूब। म्याऊ म्याऊ, मैं जा रही हूँ। शुक्रिया डॉक्टर जिराफ, आपने आकर हमें इस चलाक बिल्ली से बचा लिया। देखो बार्बी, मैं तुम्हें आज कुछ समझाता हूँ। तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारा दिल बहुत साफ है, लेकिन जब भी तुम किसी को अपने घर आने के लिए दावत देती हो, तो पहले उसको परखना बहुत ज़रूरी है। उसको पहले टेस्ट किया करो। ऐसे ही किसी को उठाकर अपने घर में मत ले आया करो, वरना तुम नुकसान उठाओगी। ओह डॉक्टर जिराफ, मैंने तो कभी ऐसा नहीं सोचा था। जो भी मुझे मिला, हमेशा मैं उसको अपने घर ले आई। यही तो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। आज तुम्हारी लापरवाही की वजह से तुम्हारे दोस्त की जान खतरे में थी, और एक डक की जान जा सकती थी। इसीलिए आइंदा से लापरवाही मत करना। ये तो बहुत अच्छा सबक दिया आपने डॉक्टर जिराफ। जी हाँ बार्बी, तुम्हें ये समझना चाहिए। हाँ, वरना मेरा प्यारा क्वैक क्वैक प्यारा पेट आज जान से चला जाता। हाँ, ये तो बहुत गलत हो गया। प्यारे दोस्तों, मैंने आज ये लेसन सीखा है कि किसी को भी अपने घर दाखिल करने से पहले उसकी अच्छे से छानबीन करो कि वो कैसा है, फिर ही उसको अपने घर में आने दो। और आप सब भी इसी पर अमल करना। मैं आज के बाद किसी को भी अपने घर में नहीं आने दूंगी। पहले मैं उससे पूछूंगी कि वो वाकई ज़रूरतमंद है या नहीं, फिर ही उसे अपने घर आने दूंगी। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है और आप इस तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। और अगर आप डॉल हाउस में दोबारा आना चाहते हैं, तो मेरी आने वाली वीडियोस को वॉच करें। बाय बाय फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिएगा। मेरे सब दोस्तों की तरफ से बाय बाय। बाय बाय फ्रेंड्स। क्वैक क्वैक, मैं तो आज मरते मरते बचा हूँ फ्रेंड्स। आप सब भी अपना ख्याल रखिएगा, कभी लापरवाही मत करिएगा। हाँ, वरना मैं अपने पेट को खो देता। इसीलिए आप भी अच्छे से अपने पेट्स का ख्याल रखिए।
कि कोई भी उनके साथ गलत ना कर पाए। हाँ ठीक है ठीक है, मेरे लिए रुको मेरे लिए रुको, तुम लोग मेरे बिना ही सबको बाय बाय कर रहे हो, मैंने भी तो अपने फ्रेंड्स को बाय बाय करना है। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय बाय, अलविदा।